है कि इतना रुपया प्रशांत किशोर को कहाँ से आता है। सभी के दिमाग में बैठ गया है कि ये जो है बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी इसको आरजेडी को हराने के लिए और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ये सारा रुपया जो है मुहैया बीजेपी कराता है प्रशांत किशोर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के परिणाम आ गए हैं, इसके साथ ही बिहार के भी चार विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम हैं। हमारे साथ, हम बता दें, कई लोग हैं यहाँ पर जो कि इस चुनाव के परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चार विधानसभा जो उपचुनाव बिहार में हुए थे उसमें प्रशांत किशोर की बड़ी इच्छा थी कि इस बार वो जीत जाएंगे तो बिहार में बाजी पलट सकते हैं, लेकिन हम बता दें दो NDA के खाते में और एक हम बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में है, RJD के खाते में है और अदर्स में है। तो अभी चुनाव परिणाम देखे हैं, हम अभी कोटी विधानसभा में हैं और मन्नान अंसारी जी हमारे साथ हैं। मन्नान जी, ये क्या हो रहा है, ये क्या लगता है कि इस बार कुछ प्रशांत किशोर कमाल कर जाएंगे? करेंगे, बीजेपी का बी टीम है लेकिन सरकार तो कई बनवा चुके हैं, वो क्या करेंगे? वो देखिए, बिहार में जो है जितना भी जो तेजस्वी जी के साथ वोटर है वो वोटर जो है इधर से उधर होने वाला नहीं है। अब रहा प्रशांत किशोर, तो सब जानता है कि बी टीम है। अभी आपको चार विधानसभा का हुआ है, उसमें तो आप देख लिए हैं कि क्या उसका ये है, असर पड़ा है। प्रशांत किशोर एक जगह 7,000 वोट लाया है और हमको तो नहीं लग रहा है कि कहीं तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर कहीं नहीं है। तो ये सब कहने कहलाने की बात है। प्रशांत किशोर जोर लगा रहे हैं, अब तो कभी कभी तो मुद्दा के मामले में भी वहाँ जो है इसको बाजी को पलट दिया जाता है, मुद्दा पर होता है। बहुत बहुत सारा हम इलेक्शन देखे हैं जिसमें 77 का देखे, 80 का देखे, 85 का देखे, 90 का देखे, जब जब मुद्दा हुआ आया है, मतलब नेता को मुद्दा हाथ लगा है उस पर बाजी पलट जाती है और जब मुद्दा से विहीन हो जाता है तो बाजी नहीं पलटती है। देखिए, ये इस बार क्या लगता है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट बैंक हमारा है, RJD से तो यादव टूटेगा नहीं, लेकिन वो मुस्लिमों को तोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर्स प्रशांत किशोर के आइडियोलॉजी के साथ, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि आप यहाँ पर पूरी क्वेटी में भी देखे हैं। देखिए, ये हम जो घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत भी होती है खास करके मुस्लिम मोहल्ला में, तो कहता है लोगों में ये अफवाह फैला हो या वास्तविकता हो सो नहीं कहेंगे, लेकिन ये फैला हुआ है कि इतना रुपया प्रशांत किशोर को कहाँ से आता है। सभी के दिमाग में बैठ गया है, सरकारें बना रहे थे, करोड़ों करोड़ रुपया सरकार बनाते, ममता बनर्जी की बनाई, मोदी को बनाए, तेजस्वी नीतीश का बनाए, लेकिन लोगों में आम धारणा हो गया है कि ये जो है बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी इसको आरजेडी को हराने के लिए और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ये सारा रुपया जो है मुहैया बीजेपी कराता है प्रशांत किशोर को। अच्छा, ये कोटी विधानसभा का, आप तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ लड़े हैं, यहाँ पर आपने फराज फातमी को भी देखा, अशोक यादव भी देखे हैं, मुरारी मोहन झा भी बने, इस बार का समीकरण क्या लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का असर पड़ेगा कोटी विधानसभा में? कोटी विधानसभा में तो झारखंड का असर तो पड़ेगा ही, महाराष्ट्र का असर नहीं पड़ने वाला है। चूँकि फराज फातमी पिछले दफ़ा यहाँ से ग्रामीण में चले गए थे, इसलिए यहाँ जो है मुरारी मोहन झा जी जीत गए थे। लेकिन जब अभी घूमता है और आप भी जाइएगा तो देखिएगा कि फराज फातमी का ही नाम है पूरे जगह कि फराज फातमी चुनाव जीतेगा। फराज फातमी अगर नहीं गए हुए रहते तो ज़रूर यहाँ जीतते, तो ये तो है, माहौल तो बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि कितने वोटर मुस्लिम हैं और कितने वोटर अलग, क्योंकि देखिए जाति में भी बांटा जा रहा है वोट, ये जानते ही हैं, तो अगर जाति में बटेगा या फिर कह रहा है कि हिंदू सनातन बोर्ड बनेगा यहाँ पर बब बोर्ड के खिलाफ, और मोदी जी योगी जी पूरे माहौल को कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या लगता है इसका असर पड़ सकता है चुनाव में? देखिए,
जो जानने वाले लोग हैं, बटोगे तो कटोगे, उसका आप देखते हुइएगा प्रतिक्रिया फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह वगैरह पर, हिंदू भाई ही लिखते हैं कि ये गलत उसका यह है कहना है, गलत कह रहा है। तो बटोगे कटोगे वाला मुद्दा कोई काम करने वाला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये मुद्दा विहीन हो रहा है, ये मुद्दा नहीं काम करने वाला है, चूँकि इसको सांप्रदायिक में गिनती कर दिया है, चाहे जो भी हो। तो चाह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक में कट बढ़ जाए तो हमारा बीजेपी जीत। धीरे देखिए, इंसान जो है धीरे 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 अपना लेवल पर आता है ना। शुरू में तो ठीक था कि भाई हिंदू भाई एक हो, बटोगे तो कटोगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी क्यों हारे यहाँ से? अब्दुल बारी सिद्दीकी जी तो एक फेमस थे, तेजस्वी यादव लालू यादव के नज़दीकी रहे हैं, अलीनगर छोड़ करके बड़े सोच करके यहाँ आए थे कि चलो अलीनगर में नहीं, यहाँ से हम जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ से बहुत वोटों से हार गए वो। असल में बहुत वोटों से तो नहीं, लेकिन 6,000 वोट से तो हारे हैं, और एक मामूली आदमी से हारे। पहले तो फराज जी 6 वोट से हारे थे ना, 28 वोट से हारे थे। हाँ, तो वो अलग बात थी, उस टाइम में तो बेईमानी कर गया था। हम देखे हैं कि माने 265 वोट से वो जीत रहे थे। एक बूथ था आपको 56 पंचायत का, जिसको उस बूथ को हटा लिया गया, और उसी बूथ में जो 265 वोट से फराज साहब जीत रहे थे उसको 28 वोट से हरा दिया गया था। तो वो अलग 28 वोट और इधर 6,000 वोट से हारे, तो ये क्यों हारे? ये वर्क में थोड़ा कमी की है, मतलब सिद्दीकी जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो जनता के बीच नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। लोकसभा भी हारे तो इसी वजह से जनता के बहुत लोगों को पहचानते भी नहीं, कार्यकर्ताओं को भी नहीं पहचानते। इसी वजह से उनकी हार तो जान बुझ के हुई थी, इसमें कोई दो राय। यहाँ से भी RJD के कई उम्मीदवार के रूप में राम नरेश यादव जो कि इस क्षेत्र के रहे हैं, उनका कहना है कि हमको सीटें मिला नाराज थे। फिर आपको मिश्री लाल यादव के बेटा धीरज यादव, वो भी कह रहा है कि हम जो है सो चुनाव लड़ेंगे, हमको तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है। एक जिला पार्षद हैं, ये जिला पार्षद हैं सुवंश यादव, वो भी कह रहे हैं। और फराज फातमी के बारे में कहा था कि उनको तो टिकट लालू यादव फातमी जी के हैं पुत्र हैं तो मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस सब का कुछ समीकरण बैठेगा कुछ ऐसा? एक चीज़ बतला देते हैं आपको, मिश्री लाल यादव जमीन से तो ऊपर हुए, और वही मिश्री लाल यादव जो है मंच से कहते थे कि रानी के पेट से पैदा हुआ बेटा अब राजा नहीं बन सकता है, मेहतरानी क्या कहता है चम्मार के पेट से निकला हुआ, मेहतरानी के पेट से निकला हुआ, गरीब गुरबा के पेट से निकला हुआ बच्चा अब राजा बनेगा, और वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे तो अब वहाँ तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन RJD से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम लोग साथ देंगे, चाहे सुमन यादव को मिल जाए या धीरज को मिल जाए या फराज साहब तो एक नंबर में है ही। अच्छा, लोकसभा चुनाव में यहाँ से यादव वोट जो है सो अशोक यादव को पड़ गया, फातमी जी को नहीं पड़ा, तो इस क्षेत्र में फातमी जी को नुकसान पहुँचा? इस क्षेत्र में नुकसान पहुँचा था। उसका दो कारण है, एक कारण है कि लोग आम जनता में जो खास करके हिंदू कम्युनिटी में था कि ऊपर में मोदी को और नीचे में तेजस्वी को, ये भी बहुत जगह सुनने को मिला था, तो उस नाते भी मोदी के नाम पर यादव दे दिया कुछ। तो चलिए देखिए, हम बता दें हमारे साथ कई लोग हैं, आप कहाँ से हैं? कोटी। कोटी विधानसभा। हाँ जी। पिछली बार वोट दिए थे? हाँ दिए थे। क्या सोच के दिए थे? तेजस्वी को दिए थे हम, माने कोई काम करे, मतलब आप इनको नहीं दिए जो उम्मीदवार थे आपके, उनको नहीं दिए, तेजस्वी यादव को वोट दिए। हाँ। अच्छा, तेजस्वी यादव में क्या देखते हैं जिससे कह रहे हैं कि युवा हैं? बहुत ऐसा काम किया है वो नागरिक के लिए। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहते तो आप नीतीश कुमार को वोट देते? हाँ देते। अच्छा, अच्छा था, अच्छा था। अच्छा, नीतीश कुमार शराबबंदी बंद कर दिए, कह रहे हैं कि उनको वोट मिलेगा। कहाँ शराबबंदी की है? वो कह रहे हैं कि शराबबंदी बिखीरा है, बिखीरा ना, बिखरा है तो। अच्छा, तो क्या असर पड़ेगा? उस बार तो महिलाएं इसलिए वोट दी नीतीश कुमार को कि शराबबंदी हो गया, हमारा बच्चा बच गया, पति बच गया, इसलिए इस बार क्या लगता है असर होगा इसका? देखिए क्या होता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस बार के क्या लगता है कि इस बार कुछ समीकरण महाराष्ट्र चुनाव
और में बीजेपी जीत गई, झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता, बिहार में असर पड़ेगा इसका? असर पड़ेगा इसमें। कहा था कि मुस्लिमों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई सरकार में, उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उन लोगों को संसाधन नहीं मिल रहा है, तो ये बात करें तो कि कितना सच्चाई है? ये तो सच्चाई है, मुस्लिमों को सही बात है, संसाधन नहीं मिल रहा है, सब कुछ नहीं मिल रहा है, अनाज मिल रहा है? हाँ, अनाज तो मिल रहा है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना मिला क्षेत्र में गरीबों को? हाँ, मिल रहा है। सड़कें बन रही हैं? सड़कें तो बन रही। फिर कहाँ आपको लग रहा है कि जो सो नहीं मिल रहा है? क्या करें कि रोजगार नहीं है ना, रोजगार रोजगार। अच्छा, प्रशांत किशोर को क्या करेंगे? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम वोट बैंक अब हमारा हो रहा है। जो तेजस्वी यादव के प्रति मुस्लिमों का जो रुझान था वो कम हो गया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मुस्लिमों को मदद नहीं की, अब वो मुस्लिमों के साथ खड़े होंगे। तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट जा सकता है प्रशांत किशोर के साथ? जी नहीं, नहीं जाएगा तेजस्वी यादव को। क्यों? क्योंकि वो काम करता, अच्छा गरीबों का देखभाल करता है, सब कुछ करता है वो। तो आखिर कमी कहाँ है बताए? सरकार कह रही है कि हम तो मुस्लिम वोट बैंक में भी उतना ही पैसा खर्च करते हैं, सड़क बनाते हैं, अनाज देते हैं 5 किलो अनाज, तो फिर वोट नहीं मिलता है, वो कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों? 5 किलो अनाज में क्या होगा गरीब को? कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। एक घर में 4 आदमी तो 20 किलो अनाज मिलेगा, उसमें कट जाता ना, कट जाता है, 4 किलो देता है। अच्छा मनन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि वफ बोर्ड को लेकर के कई बार चर्चा हुई है, ये बताइए, हमने दरभंगा के तमाम मुस्लिम नेताओं से, फातमी जी से भी पूछा है, बड़े नेताओं से भी हमने पूछा है, वफ बोर्ड की जितनी संपत्ति है, जमीन है, क्या वहाँ के मुस्लिम बड़े बड़े नेताओं को बताया गया कि नहीं है? क्या कभी रिकॉर्ड है? आज रिकॉर्ड ढूंढते तो रिकॉर्ड नहीं मिलता। चेयरमैन जो है वक्फ बोर्ड के दरभंगा के, उनको हम कई बार हमने कहा कि आइए आप बताइए, कि अभी हमें छोड़ दीजिए, वो जदयू से संबंधित रखते हैं। तो क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड का अस्तित्व मिटाने के लिए जो कुछ मुस्लिम नेता हैं, जो माफिया, वही इसको दबा रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड का जमीन यहाँ 2 स्टेट में है, दरभंगा और मधुबनी के बॉर्डर पर, लेकिन दरभंगे का है, एक है आपको खिरमा में, जो वक्फ बोर्ड का काफ़ी मात्रा में ज़मीन है, और उससे ज़्यादा एक ओसौथू है, वहाँ बहुत बड़ा ये है, जहाँ 100-200-300 बीघा के आसपास है। तो इस ज़मीन को जो है सेक्रेटरी और अध्यक्ष बना करके इसको चलाता है। तो क्या करता है? वहाँ जमीन पर कुछ हुआ, वहाँ कब्रिस्तान होगा या बच्चों के मदरसा होगा, यही क्यों? हाँ, जैसे कि खिरमा में अल्पसंख्यक आयोग के तरफ से वहाँ ये स्कूल बना है अल्पसंख्यक का, इसी जमीन पर, वक्फ बोर्ड की जमीन पर, वक्फ बोर्ड की 2.5 बीघा के प्लॉट में अभी बना है, जमीन था तब न बना, और वहाँ आवासीय विद्यालय बना है, जो कि पूरे बिहार में 2 ही बना है, एक आपको किशनगंज और एक दरभंगा में असराहा में। तो असराहा में जमीन अगर नहीं होता तो कहाँ से बनता? अब रहा कि अगल बगल वाला कुछ कब्जा करना चाहता है, कुछ दिन हम भी मेंबर रहे क्या कहता है असोथू वाला में, गाछी का डाक हुआ, डाक होना चाहिए, लोग सिक्योरिटी चुपचाप कर देता था, लेकिन जब मजबूत आदमी वहाँ पहुँचता है तो वो उसका जो है सो ठीक से डाक करवा। ये मोदी का कहना है जो वक्फ बोर्ड जो बनेगा, मोदी तो पहले का अलग था, अब वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के लिए होगा, नहीं, नहीं, लेकिन उसका स्थिति सही तरीके से बनाया जाएगा। मोदी का पूरा ये है कि मोदी जो है सो चाहता है कि अडानी को कुछ ज़मीन दे, जो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा भाग है, जो उसमें वो फैक्ट्री बनाना चाहता है अडानी, तो उसको देने के वजह से ये इतना बड़ा ये रिक्स ले रहा है, चूँकि मोदी है तो माने अडानी है तो मोदी का कहना है कि जो बहुत से कब्जा किया है, डीएम अगर नेतृत्व करेगा, डीएम देखेगा तो पता लगेगा सही है कहाँ गलत है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड का इतना हल्ला हो गया, अब जो है सो बागेश्वर जी कह रहे हैं कि हमको सनातन बोर्ड चाहिए, उसके लिए अलग धर्म संसद बना लेते हैं, उदान देना उसमें, उसके पास तो है तो वो अपना ज़मीन को जो है सनातन में दान दे दे, जो लोग को दान दिए हुआ है, तो बलवारी महंत है, पचारी महंत है, खिकरी पट्टी महंत है, आप चले जाइए धोबगामा में महंत है, और 100-50 बीघा वाला महंत है, तो वो ज़मीन लोगों ने दान दिया है महंत को,
तब जा करके वो महंत है, और वो ट्रस्ट में उसका ये जाता है कि नहीं जाता है। आपका कहना है कि जैसे वक्फ बोर्ड में जमीनें दी हैं, उसी तरह सनातन बोर्ड में अपना जमीन दीजिए, हाँ, तब जाके होगा। हाँ चलिए ठीक है। अब मनन जी अंतिम सवाल, हाँ, राजद को कहीं भी हम धरातल पर काम करते नहीं देख रहे हैं, स्थानीय नेता के। अब आपके तेजस्वी यादव लालू यादव लड़ लेंगे तो उसे तो नेता आपका जीतेगा नहीं, नहीं, नहीं। ये बताइए कि आप आरजेडी के जितने भी उम्मीदवार हैं, सही सही बताइएगा कि धरातल पर कितने, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे वोट बैंक हो, उसके लिए कितना काम करते हैं। इन लोगों को अनाज नहीं मिलता, इन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलता, सड़कें नहीं मिलती, नाले नहीं बने, इसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई कितना लड़ाई लड़ाई विपक्ष ही लड़ता है। हम लोग तो अब बुढ़ापा आ गया, 70 बरस उम्र हो गया, लेकिन बगैर आप लोग जिस तरह लड़ते थे हमने देखा, मिश्री लाल यादव भी लड़े थे, फातमी जी लड़े थे उस समय जो लड़े थे, हम लोग एक थे पहले शुरू में, बाद में हमारी लड़ाई हुई 2020 से, तो वो अलग हुए हम अलग हुए। लेकिन राजद के नेताओं को जो विधायक के उम्मीदवार बता रहे हैं, जमीन पर क्यों नहीं कहते हैं दिखाने के लिए कि हाँ तुम्हारे नाला चाहिए, ये कर तो इसी से चुनाव हार जाते हैं। यही इस थोड़ा कमी है जिसको तो चले हम बता दे। देखिए चुनाव जीतने के लिए दो बात होती है, एक तो स्थानीय नेता को जनता चुन लेती है कि इसे आप विधायक बनाइए, दूसरा ऊपर से थोपा जाता है। उस परिस्थिति में क्या होता है कि अगर ऊपर से थोपा जाता है उस परिस्थिति में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब राजद के तमाम नेता उनसे सवाल पूछेगी यही जनता कि आप जमीन स्तर पर आकर गरीबों की मदद के लिए क्यों नहीं आते हैं, जहां बरसात में घुटनों से ऊपर पानी गली मोहल्ले में घर में घुस जाता है, नाले क्यों नहीं बनते हैं, सड़कें क्यों नहीं बनती हैं, जिनका नाम वृद्धावस्था में नहीं है उनको क्यों नहीं जुड़ता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं मिलता उनको क्यों नहीं मिलता है। ये लड़ाई जब तक राजद नहीं लड़ेगी जमीनी स्तर पर, तो केवल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको इन लोगों के बीच में आना पड़ेगा और इन की समस्या के लिए आपको रहना पड़ेगा। और हमने देखा है कि फातमी जी पहले रहते थे, लेकिन फातमी जी जब से हारे हैं तब से उनका भी बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं। धन्यवाद।